पूरे भारत के अंदर बताते हैं कि अभी दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार आई है और वो बताते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि वो अधिकतर अपने विज्ञापनों में, होर्डिंग्स में सब जगह बताते हैं कि अब हमने जो दिल्ली का स्तर है वो और स्कूलों से बहुत अच्छा कर दिया है, आज तक ऐसा पूरे देश के अंदर नहीं हुआ था जो हमने कर दिया है। तो क्या है वो, ज़रा हमें बताएं कि कहाँ कहाँ तक वो अच्छा हो गया जरा उसके। नहीं देखिए, मैं इस बात में, आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं केजरीवाल सरकार को, उनके सारे साथियों को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने कम से कम पहल तो की। जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 145 स्कूल जो हैं उनको, हो सकता है संख्या ज़्यादा हो पर मेरी जानकारी अभी तक इतनी है, बहुत अच्छा उनका जो है स्तर उन्होंने सुधारा है। और केवल जो उनका स्ट्रक्चर है उसी में नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में नहीं कि उसमें जो क्लासरूम है वो साफ़ सुथरे हों, केवल उनमें सीटें बढ़िया हों, यही नहीं बाकी और सारी फैसिलिटी भी, और क्वालिटी के टीचर जो उन्होंने जिस तरह से रखे हैं। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया कि सब क्वालिटी, फर्नीचर, एवरीथिंग सब कुछ फाइन हो रहा है, लेकिन एजुकेशन का स्तर कहाँ तक बढ़ गया है वो बताएं। सेकंड हमें बताएं कि दिल्ली के अंदर जितना जो प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने फीस को लेकर आए थे वो कहाँ तक पूरा हो गया है। नहीं देखिए, प्राइवेट स्कूल तो वाकई में जिस तरह की फीस की है प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले हैं, इनका बड़ा नेक्सस है। अगर आप देखें तो प्राइवेट स्कूल वाले हैं सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है बिजनेसमैन? बीजेपी की सरकार। बीजेपी में कौन है? वही बिजनेसमैन है, वही उद्योगपति हैं, वही नेता हैं, उन्हीं के स्कूल हैं। तो वो वहाँ पर जो ठीक समझ रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं मान रहे, और मामला ये बार बार कोर्ट में भी जा रहा है, और हाई कोर्ट में श्री अशोक अग्रवाल साहब बहुत मजबूती से इनके केस को लड़ भी रहे हैं, जो वो हैं पेरेंट्स हैं उनके केस को लड़ भी रहे हैं, और लगातार कह रहे हैं कि भाई फीस बढ़ाने का अधिकार इनको नहीं होना चाहिए, एक जायज़ जो फीस है वो होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि मनमानी फीस बढ़ा दें। लेकिन इस पर लगातार संघर्ष चल रहा है, और मैं ये कहूँगा कि इस पर पब्लिक को साथ देने की ज़रूरत है, खड़े होने की ज़रूरत है। हमने भी एक बार इस समय इसके विषय में आंदोलन किया था, तो पब्लिक का साथ आना, पब्लिक का इसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है।